वेलकम टू द आरआर, और आज के वीडियो में हम ढूंढ निकालेंगे बेस्ट ब्रांड ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमस्कार, जय हिंद। जैसे गौरव बताया कि आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 7 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिसमें से एक निकल के आएगा जो जीतेगा आज के जो भी वीडियो में से जो निकलेगा वो जीत जाएगा। और आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा। हमारे पास ब्रांड्स है जो बता देते हैं आपको, DNV है, प्रिया है, स्मिथ एंड जोन्स है, कैच है, ये क्या एवरेस्ट है, मदर्स रेसिपी है, और वहाँ पे डाबर का होममेड है। तो आपको हो सकता है कि प्रिया और DNV हर जगह ना मिले, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज, पर पता नहीं यार उसमें से बहुत अच्छा अच्छा स्मेल आ रहा था। तो यार जल्दी से इस बहुत डिफिकल्ट इंट्रिकेट रिव्यू को शुरू करते हैं, बिकॉज आरा वेरा में हम लोग हर टाइप का चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से इस चैलेंजिंग रिव्यू को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर DRY चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज आप तक तुरंत पहुंच जाए। बिल्कुल। तो आपके सामने है 7 जिंजर गार्लिक पेस्ट और 7 ग्रेवीज, 7 मसाला जो कि बना है इस जिंजर गार्लिक पेस्ट से। तो हम लोगों ने बहुत एफर्ट लिया है, बहुत मेहनत किया है, तो इस रिव्यू को अंत तक देखिए, आपको बेस्ट निकल के आ जाएगा। और ये सबसे सस्ता है जो कि 0.20 रुपीस पर ग्राम आता है, और ये है सबसे महंगा, ये इधर का यहाँ से आता है 0.25 रुपीस पर ग्राम। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने को चूज करना है बेस्ट। और मैं बता दूं कि स्मेल से मेरे को ना, दूर से मेरे को लग रहा है सब सेम है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, इसीलिए बार बार बता रहे हैं रिव्यू को। तो एक बार वहां से तो हम लोग रॉ भी टेस्ट करेंगे, कुक्ड भी टेस्ट करेंगे, मिक्स एंड मैच करके। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि हम लोग बहुत पेशेंटली टेस्ट करने वाले हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब लुक से अगर देखा जाए तो इसका टेक्सचर सबसे अच्छा लग रहा है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। ठीक है, एकदम एक साथ जुड़ा हुआ है और काफी अच्छा स्मेल भी आई गेस कर रहा होगा। हां भाई, एवरेस्ट है तो। एंड मोस्टली कंप्लेंट्स ये रहता है ये सारे जिंजर गार्लिक पेस्ट से कि बहुत प्रिजर्वेटिव का टेस्ट आता है। तो एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं पहले डायरेक्ट रॉ जिंजर गार्लिक टेस्ट। और ये तो कुछ वाहियात सा लग रहा है भाई। समझ में आएगा क्या सीन चल रहा है, क्योंकि कुछ तो ऑफ है इसमें, वो पता चल रहा है मेरे को। स्मेल भी काफी पूरा पंजन टाइप आ रहा है, पता नहीं किस चीज का स्मेल है। ओ, कुछ मेरे को लगता है रॉ टेस्ट करना ज्यादा बेटर होगा, रॉ करना ज्यादा बेटर होगा। बेरेबल है, इतना भी खराब नहीं था, सोच रहे थे हम रॉ टेस्ट करना। ओ फक, प्रिया मार लिया ये तूने क्या किया क्या किया प्रिया बहुत नमकीन है, हेवी सॉल्ट, तो आपको वो भी ऐड होगा। जनरली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इतना सॉल्ट, नहीं एक्सपेक्ट करते कहीं से। अगर घर में भी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रहे हैं, सो वी डोंट एक्सपेक्ट इतना ज्यादा सॉल्ट, मतलब एक पंच मारा सॉल्ट का भी है मेरे मुंह में, पूरा सॉल्ट ही है। ये स्मिथ एंड जोन्स, ये थोड़ा बैलेंस है, प्रिजर्वेटिव का ऑल्दो टेस्ट आ रहा है, बट आई गेस सॉल्ट में तो कमी है। ये तो मतलब ऑफ टेस्ट कर रहा है, एकदम सड़ा हुआ टाइप का लग रहा है, ऑल्दो एक्सपायर नहीं हुआ है ना, वो देखना एक बार। लिखा तो है दिसंबर 22 को है मैन्युफैक्चर, नवंबर 23 तक चलेगा। ठीक है, मेन है कि स्मिथ एंड जोन्स का भी काफी ठीक लगा, बट प्रिजर्वेटिव फॉरवर्ड है काफी। हम लोग एक बार रॉ टेस्ट करके बेस्ट शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर ग्रेवीज टेस्ट करके कि बेस्ट क्या लग रहा है सब्जियों में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा एक सब्जी में यूज होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट। पता नहीं यार ये सब सॉस टाइप का लग रहा है कुछ, ये था कैच। कैच पीसा नहीं है ठीक से, कड़वाहट है, और पता नहीं हम क्या हम बोल सकते हैं, एक अजीब तरह का कड़वाहट है कैच, बिटरनेस है। ये वो ऐड करेगा आपके टेस्ट में, मतलब अगर जो रॉ में आ रहा है वो आपके एक्चुअली ग्रेवीज में ऐड करेगा, और इसमें एक्चुअल में तुमने ठीक पकड़ा, बिटरनेस है, तो नॉट वेरी गुड।
और इसका पिसा हुआ भी नहीं है यार, देख रहा है कितना रेशा रेशा है, रग जा रहा है। बेस्ट अभी तक मेरे को क्या लगा ये स्मिथ एंड जोन्स कंसिस्टेंसी वाइज कि हाँ। कुछ सब कुछ मैच्ड है बेस्ट भी, मतलब ये सब में से, हाँ इन चारों में से अभी तक ये है एवरेस्ट, ये इससे उम्मीद है मेरे को क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट रणवीर ब्रार करता है एंड ही इज मास्टर ऑफ इंडियन कुकरी, दैट्स ट्रू मैन। तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और अपना रेपुटेशन लगा रहे हैं ऑनलाइन तो देयर हैज टू बी समथिंग। इसमें बात है, ये सब छट जाता है हाँ भाई। इसके बाद सॉल्ट का एकदम मस्त है, एकदम बैलेंस है, बैलेंस इवन बिटर वाला भी जो नोट है उसका भी बैलेंस एक थोड़ा दे रहा है, और लाइक जो जिंजर से बिटरनेस आता है एग्जैक्टली हल्का वो आ रहा है, नेचुरल बिटरनेस आ रहा है, जिंजर लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया गया है अपार्ट फ्रॉम जिंजर, और उसमें जिंजर का जैसा आता है टेस्ट वो आ रहा है, दैट्स अ पॉइंट आई लाइक अबाउट इट, दिस गुड, दैट्स ट्रू। तो भाई ये तो ऐसे ही छट गया सारा, हाँ ये सब गायब कर सकते हैं हम लोग उसके लिए एकदम भाई ये सब ट्रॉमेटिक था थोड़ा दिमाग घूम गया, ये स्पेशली प्रिया भाई बमबार्ड कर दिया था दिमाग भाई, तुम वो ढंग से टेस्ट नहीं किया है भाई, डीएनबी मदर रेसिपी, ये है मदर रेसिपी, गुड। सिमिलर फ्रंट में है बट लाइक वही ना, घर में भी हम लोग के जनरली या तो मदर एवरेस्ट में पहली बार कर रहा हूँ, मेरा भी एवरेस्ट का पहली बार एक्सपीरियंस, जनरली मदर रेसिपी या ढाबर ही आता है, हाँ मेरा घर में तो मदर रेसिपी ही आता है, बट आज के बाद शायद डिसीजन चेंज हो सकता है, हो सकता है 100%। मदर रेसिपी अच्छा था, उसका भी थोड़ा सॉल्टीनेस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था, बट ठीक है इन सब से ठीक है। ये है लास्ट होममेड डाबर का, आई मीन ठीक है, ये स्मिथ एंड जोन्स वाले टाइप का है, मतलब जस्ट ठीक है, प्रिजर्वेटिव वाला सीन है, प्रिजर्वेटिव वाला चीज है और सस्ता भी है, सस्ता भी है। कलर इसका आप देखो कॉमन है स्मिथ एंड जोन्स और होममेड का, वो थोड़ा लिक्विडी है और ये थोड़ा लेस लिक्विडी है, बाकी मेरे को सेम ही लग रहा है दोनों एक्चुअली, पता है नहीं नहीं दिस इज वेरी क्लोज टू नेचुरल टेस्ट, इसको अगर ढंग से पैलेट में रोटेट करोगे तो लाइक जिंजर और गार्लिक का है, ऑल्दो प्रिजर्वेटिव तो रहेगा पॉसिबल ही नहीं है बिना प्रिजर्वेटिव का, बट जिंजर का एक अच्छा टेस्ट आ रहा है, जिंजर का एक ओवरपावरिंग टेस्ट है जो कि मेरे को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये सब अनऑर्डर्ड है एकदम जहां तहां जा रहा है, बट वो मेरे को एक प्रोफाइल दे रहा है, एग्जैक्टली प्रोफाइल एज दे रहा है, हाँ। बहुत बहुत डरे हुए थे हम लोग कि भाई क्या सही होगा, मतलब निकाल पाएंगे या नहीं, exactly, पहली बार ऐसा हो कि हम लोग डाउट में थे, हम लोग डाउट में थे कि निकाल पाएंगे या नहीं, बट और क्योंकि इतना सिमिलर स्मेल आ रहा था ना सबसे, इसके साथ जो अच्छा लग रहा है एक बार मैं मदद रेसिपी उसको तो खा के हम लोग लाइक यही हो गए, ट्रेंड हो गए, ये अच्छा है ये काफी अच्छा है, ये बेटर है इससे, या तो होस्ट चुरा लिया मेरा डीएनबी चुरा लिया भाई, रातों का नींद चुरा लिया मेरा, मदर रेसिपी थर्ड रनर अप, हाँ थर्ड रनर अप एग्जैक्टली वही ऑर्डर में भी है ये सब हटा, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भाई आज का विजेता है और टीएई अप्रूव्ड भी है, ये बोल सकते हैं 100% एवरेस्ट जंगाली, और ये बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिव्यू है बिकॉज घर में यू नो सब कोई चाहते हैं ट्रू कि कौन सा जिंजर गार्लिक पेस्ट हो, बिकॉज हर जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ वही कंप्लेंट रहता है कि साला प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव और हर कोई प्रेफर नहीं करता, लाइक मेरी मम्मी तो खास करके नफरत करती है जिंजर गार्लिक पेस्ट क्योंकि वो चिकन करी बनाती, तुमने तो खाया उनका हाथ का चिकन करी, सॉलिड रहता है और वो बिल्कुल, और वो एक ही एलिमेंट है, यही एलिमेंट है जो वो अवॉइड करती है कि पैक्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, बट यू नो ये एक बार पिच किया जा सकता है मम्मी को, वर्थ अ शॉट, और लाइक होता ही है कि अगर आप बैचलर हो, इवन आप लाइक अगर घर में खाना बनाते हो तो आपको चाहिए रहता है कि बार बार कौन अदरक और गार्लिक पीसेगा ये वो, exactly. तो इससे अच्छा ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो शायद अच्छा लगे, जम जाए आपको, बेस्ट नहीं है, बेस्ट तो ऑब्वियसली फ्रेशली ग्राउंड जिंजर गार्लिक पेस्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चल जाए, ढाबा में चल जाए, कोई भी आपको पैकेज यूज करते हुए नहीं दिखेगा एकदम, बट घर में जो कि थोड़ा आलस रखते हैं या फिर यू नो जिंजर गार्लिक जल्दी जल्दी बनाना होता है
उनके लिए ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और अगर आप वीडियो में आए हैं तो ऑब्वियसली सोल्यूशन खोज रहे होंगे। एंड ये इसलिए नहीं जीता है क्योंकि बाकी लोग खराब था। अच्छा। बाकी लोग खराब था इसलिए नहीं जीता, वो तो एक पॉइंट था ही। बट ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है। लाइक इसमें एक्चुअली ये एक पहला ऐसा ब्रांड है जिसमें से जिंजर गार्लिक का थोड़ा टेस्ट समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये था भैया आज का हम लोग का रिव्यू। देखा आपने, दी आरावेरा में हम लोग सिर्फ मैगी, मेयोनेज और चिप्स रिव्यू नहीं करते, एकदम बेसिक चीज है ये जो हर किचन में आई गेस होता ही है। अभी हम लोग और कुछ प्लान कर रहे हैं कि और जो जो एकदम बेसिक सामान है वो सब भी आप लोग को तक पहुंचाए रिव्यू करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ जो खाना बनाने का एंथुसियाज्म रखते हैं और जिनको पसंद है खाना बनाना, उनको बताइए चैनल कितना इंपॉर्टेंट है हो सकता है उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट पिक करने के लिए। और अगर आपको कुछ कमेंट्स है जो आपको लाइक आपका सजेशन है, अपना फीडबैक है, वो हमें जरूर कमेंट्स में बताएं, हमें बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के। और आगे क्या रिव्यू कर सकते हैं वो भी बताएं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आप हमें बताते हैं। तो और अगर कुछ नहीं भी तो हमारे कमेंट्स एक बार जाके पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा हेल्पफुल है ये चैनल। और हम लोग को भी नहीं पता था जब हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया था कि इतना ज्यादा हेल्पफुल कर सकता है, कर सकता कर रहा है, बहुत लोग को हेल्प। और हम लोग को उससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती। मिशन जो है वो हो रहा है कंप्लीट नहीं, हम लोग प्रोग्रेस में, प्रोग्रेस में, कभी कंप्लीट तो होगा नहीं क्योंकि बकवास प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट आते ही रहेंगे मार्केट में और हम लोग छाट के निकालते रहेंगे और डालते रहेंगे। तो बस मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें एंड हमेशा खुश रहें। जय हिंद।